तो दोस्तों कई बार आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को या फिर सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि तुम्हारा घर किसी महल से कम नहीं है, या फिर वो शादी किसी मौत से कम नहीं थी, या फिर तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करके कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश की बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको यूज़ करना है नथिंग सॉर्ट ऑफ। नथिंग सॉर्ट ऑफ का देखिए आप किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको लिखना है नथिंग सॉर्ट ऑफ, और सबसे लास्ट में आपको वो ऑब्जेक्ट लिखना है जिससे आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट बोला है, ये आपका वो होगा जिससे आप कंपेयर करके बोलेंगे कि आपका उससे अधिक अच्छा है या उससे अधिक खराब है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जिससे जो हमारा डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे कुछ एग्जांपल्स, तुम्हारा घर किसी महल से कम नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश देखिए, योर हाउस इज़ नथिंग सॉर्ट ऑफ प्लेस। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, योर हाउस वो है जिसका हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद जो प्लेस है ये आपका क्या है, ये आपका वो है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह शादी किसी मौत से कम नहीं थी, दिस मैरिज वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो, यू आर नथिंग सॉर्ट ऑफ ट्रबल। तो इस तरह से आप भी अपने सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के द्वारा ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस प्रॉब्लम को भी